नमस्कार एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस टॉपर्स टॉक सीरीज विच हैज बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव द इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ये डेफिनेटली एक गाइडिंग लाइट की तरह ये सीरीज हमारी चल रही है मेडिजी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ रजत गुप्ता हैं जिनका AIR 10 आया है इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल रजत, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर फॉर सच अ वंडरफुल फीट दैट यू हैव अचीव्ड। यू हैव मेड ऑल योर टीचर्स, योर पेरेंट्स एंड आल्सो ईच एंड एवरीवन अमंग योर फैमिली प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस टॉपर्स टॉक रजत। थैंक यू सर। पहले तो मैं रजत की थोड़ी जर्नी के बारे में आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। रजत अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं एंड 2019 के पास आउट हैं एंड NIT सूरत से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास आउट हैं। ये मेडिजी का कोई ऐसा कोर्स नहीं होगा जो इन्होंने ज्वाइन ना किया हो, मतलब मेडिजी जो भी कोर्सेज मेडिजी के अवेलेबल हैं ही इज बीन पार्ट ऑफ ऑल दोज कोर्सेज। सुपर टैलेंट बैच 2019, उसके अलावा मेंस बैच टेस्ट सीरीज इन्होंने सारी ज्वाइन करी एंड उसके अलावा इन्होंने मेडिजी से मॉक इंटरव्यूज के भी प्रिपरेशन किए। इंजीनियरिंग सर्विसेज की जर्नी की बात करें तो 2020 में इनका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था एंड 2021 में आप सभी देख पा रहे हैं रैंक 10 इन्होंने सिक्योर किया है। सो, इसके साथ साथ 2021 में इनका गेट में भी 8th रैंक आया है। So 2021 has been miraculous year for him. इनका हार्डवर्क पेड ऑफ, अंडर 10 रैंक ऑलमोस्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी और गेट में भी। तो सबसे पहले तो रजत, टेल अस अबाउट योर जर्नी ओवर द इयर्स, अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर क्लासेस, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर अबाउट योर जर्नी। एक्चुअली I will start from the college. In 2015, I have joined NIT Surat without the drop. So basically, after 2015, I tried that now I will enjoy the college life. And till 3 years, I enjoyed my college life, got very bad CGPA and everything else. And after 3rd year, I started for preparation. And I've taken a crash course from one coaching of 2 months. And then I gave the GATE examination in 2019 and secured 664 rank. So after that, I got a placement from a Wellspun Corporation too, but I did not join that and started preparation for engineering services examination. So in 2020, I prepared and I do a lot of hard work in 2020 especially. But the result was not that good as I was expecting in 2020. So I was not able to qualify the pre-examination in EH 2020. And in GATE 2020, as per the test series, I have secured in 2020 approx AIR under 10 in all the test series ranks, more test series rank. But the final result was not too good and secured 33 rank. In 2021, although the hard work is not that good as I have done in 2020, but fortunately I have secured the rank in both ESE and GATE examination. So that is my journey. And in Rajat, ये जो आप कह रहे हो तो इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं, fortune also favors the brave. तो fortune या luck जिसे हम कहते हैं वो भी उस व्यक्ति का साथ देता है जिसने hard work किया हो एंड दोनों ही इंडिया के प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में अंडर 10 स्कोर करना कांट बी जस्ट फॉर्च्यून, बिकॉज फॉर्च्यून के साथ साथ ढेरों हार्डवर्क भी लगा होगा। तो रजत, जैसा आप बता रहे हो कि 2020 में प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था आपका, तो 2020 के एग्जाम के बाद आपने ऐसा क्या एनालाइज किया कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है और फिर उन चीजों को आपने रेक्टिफाई कैसे किया अपनी जर्नी के दौरान, उसके बारे में थोड़ा बताओ सर। आफ्टर 2000 इन 2020 आफ्टर ESE एंड गेट, सो टिल मार्च
I am in rest position. So basically in rest position, what I tried, just I was trying to figure out that what are my mistakes in 2020. So basically what I find out from it that in TSC 2020, my strategy for especially non-technical portion, I think is not that quite good. Basically in 2020, what I tried to do is that I tried to cover whole the subjects. And I was thinking that I will secure around 120 to 140 marks easily as per the test series stand which I am getting. So in the final paper, it was quite different. The subjects which I prepared, the questions which are in final exam is quite different. So it struck to me in the first part. And its effect continued till second part, in second paper too. So both my paper get that not good, and in gate examination there is a pressure then that I am not getting ESE. So if gate does not happen, then what will happen to me? So there is a pressure in gate examination that so my result got quite a different what I was expecting. So in 2000 yahan par Rajat ye seekhne ko mil raha hai hum sabko कि ये एक चेन रिएक्शन की तरह कंटिन्यू हुई ये चीज बिकॉज इनका जैसे जीएस का पेपर वन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट चला गया या फिर ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उसकी वजह से पेपर वन बिगड़ा जीएस का एंड उसी के रिपरकर्सिव इफेक्ट में इनकी टेक्निकल की बड़ी साउंड तैयारी थी पेपर टू में लेकिन उसके प्रेशर के अंडर इनका जो टेक्निकल वाला ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो भी खराब हो गया 2020 का एंड केवल वही नहीं गेट में भी ये अंडर प्रेशर आ गए कि मेरा ईएस नहीं निकल रहा है. सो ये एक तरह से दिमाग जो है वो हाइबरनेशन में चला गया कि ये चीजें मेरे साथ हो रही है. सो वन थिंग लेड टू द अनदर थिंग. सो रजत आपने इन सब चीजों को इस प्रेशर वाले सिचुएशन को जब एक चीज दूसरे चीज के को भी बिगाड़ रही है इसको ओवरकम कैसे किया आपने नेक्स्ट ईयर 2021 में? सर एक्चुअली जब रिजल्ट आए गेट के और इन सब के तो बेसिकली ये तो पता चल ही गया था कि नहीं हो रहा लेकिन फिर भी एक होप था गेट से कि शायद मैं कोई पीएसयू में मैं एंटर हो पाऊंगा. लेकिन फिर कोरोना आया तो सबको ही रुक ही गया तो हम भी रुक गए थे थोड़ा सा साथ में. तो फिर उस रुकने में हमको काफी कुछ सोचने का टाइम मिल गया कि मेरी गलतियां शायद कहाँ पे थी और मैं क्या चेंज कर सकता हूँ. तो बेसिकली फर्स्ट काम जो मैंने किया वो था एमटेक के फॉर्म भरे कि जो वो प्रॉब्लम था सर कि ईएससी और गेट के बीच में जो था कि मेरा कि यार ईएससी नहीं निकला तो गेट बिगड़ गया तो वो चीज नहीं चाहता था मैं नेक्स्ट ईयर कि अगर नहीं होगा दोनों में तो क्या होगा एक साल बाद प्लेसमेंट ले लेंगे आईआईटी दिल्ली से. तो एक प्लान बी तैयार हो चुका था उस टाइम पे. और दूसरा मैंने किया था जो मैं पहले नॉन टेक्निकल पोर्शन पे डिपेंडेंट था 120 टू 140 तो मैंने कुछ टॉपर्स के मार्कशीट्स देखी. तो बेसिकली जब देखा तो पता चलता है कि जो टॉपर्स थे वो भी 75 टू 90 के बीच ही ला रहे हैं नॉन टेक्निकल में मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर. जो सिक्योरिंग नंबर है वो है आपका टेक्निकल पोर्शन बिकॉज कोचिंग के मटेरियल से वो काफी ज्यादा आता है तो उसमें आप काफी आराम से स्कोर कर सकते हैं. तो वो पोर्शन आपको अच्छा किया मैंने. तो बेसिकली जो 2020 में मेरे टेक्निकल पोर्शन में 170 के अप्रोक्स मार्क्स आए थे वो 2021 में 210 आ गया. हालांकि नॉन टेक पोर्शन में मेरे दो या तीन नंबर कम हो गए थे मार्क्स लेकिन ओवरऑल काफी इंक्रीज हो गया तो दिक्कत नहीं रहा उसका कुछ. ओके तो रजत आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने जैसे ज्वाइन करी तो टेस्ट सीरीज से क्या क्या बेनिफिट्स हुए क्या फायदे हुए और आप क्या बताना चाहोगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे गो थ्रू करना चाहिए? कैन यू टेल अस अबाउट दैट? सर टेस्ट सीरीज एक तो मैंने दो टाइम पे दिया. एक था जब मैं कोचिंग साथ प्रिपेयर कर रहा था, एक था जब मैंने एक साल मेरा कोचिंग हो गया था और मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक कर रहा था उसके साथ प्रिपेयर कर रहा था. तो जब मैं कोचिंग के साथ टेस्ट सीरीज दे रहा था तो उस समय मेरा फिलोसफी क्या था कि आज सपोज कीजिए हमको एफएम पढ़ा दिया गया है उसके बाद मुझे सोम पढ़ाएंगे तो मैंने एफएम पढ़ा उसके बाद मैंने उसकी वर्कबुक लगाया मैंने गेट का जो प्रीवियस ईयर है वो लगाया गेट का ईएससी का प्रीवियस ईयर उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए कि जो जो मेरे बेसिस से मुझे लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए. अब जब दूसरा सब्जेक्ट मैंने सिमिलरली सोम के लिए किया वो सेम चीज और जैसे ही मेरा सोम पूरा हुआ तो
तो मैंने पिछला सब्जेक्ट जो था सपोज कीजिए एफएम था, उसको मैंने शॉर्ट नोट्स उठाया, उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ा और उसके बाद मैंने उसका टेस्ट सीरीज ले लिया जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होता था। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दिया और जो मेरे डाउट आ रहे थे या मुझे जो देते हुए लग रहा था कि यार यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ इस कॉन्सेप्ट में, तो वो चीज मैंने कर ली थी। क्योंकि मेरा मानना पर्सनली ये था कि क्या होता है जैसे मैं क्लास के बाद देते हैं तो कुछ कुछ चीजें होती है तो मैं रट जाती है यार, उसे कॉन्सेप्ट आया नहीं है लेकिन रट गया कि ये आंसर है। लेकिन थोड़े टाइम बाद देते हो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो पता चलता है कि यहाँ मेरे कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, यहाँ मेरे कॉन्सेप्ट वीक है। तो उस चीज को मैंने कवर किया, कुछ फैकल्टीज की हेल्प की और जहाँ पे लगा थोड़ा ज्यादा ही डिस्टर्बेंस है तो वहां मैंने मतलब यूट्यूब के कुछ कुछ चैनल्स होते हैं वो एक दो टॉपिक काफी अच्छा कर देते हैं, तो वहां से मैंने गाइडेंस लिया और ये सब करा था। मतलब टेस्ट सीरीज का तो ये सीन था। तो रजत, अपनी जर्नी के दौरान आपने कौन कौन से सोर्सेज, मतलब आपने टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी रीड करी या फिर केवल नोट्स ही आप कंटिन्यू मेंटेन उन्हीं को ही रीड करते रहे? सो अकॉर्डिंग टू यू टेक्स्ट बुक्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं टू गिव यू एन एक्स्ट्रा एज या फिर नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट? सर मेरे को तो नोट्स मोर देन सफिशिएंट लगते हैं। मैंने आज तक कोई बुक रेफर नहीं किया, मेरे पास एक एसएस रतन बुक है और वो मैंने केवल इसलिए रेफर किया था मेंस के एग्जामिनेशन में क्योंकि तो मुझे लॉ ऑफ गियरिंग जानना था, लॉ ऑफ गियरिंग की डेफिनेशन मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा था। इसके अलावा मैंने कहीं भी कोई टेक्स्ट बुक यूज नहीं किया है। सो एक कॉमन चीज जो ऑलमोस्ट ड्यूरिंग अवर टॉक्स विद अ लॉट ऑफ टॉपर्स, एक चीज रियलाइज हो रही है कि अगर आप अपने क्लासरूम के नोट्स को भी कॉन्टिन्यूसली रिगरसली एक पैटर्न के साथ सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप उन्हीं को ही रिवाइज करते चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते चलते हैं, तो फिर आपको यहाँ वहां मटेरियल के लिए कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपना वर्कबुक करें जो आपको मेडिजी ने प्रोवाइड किया गया है, उसके अलावा आप अपना थ्योरी बुक रेफर कर सकते हैं एंड अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी, अगर आप इन सब चीजों में मेंटेन रहते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन। उसके अलावा ही हैज ऑल्सो बीन अवर मेन्स बैच स्टूडेंट। तो रजत, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाउ योर मेन्स बैच ऑफ मेडिजी हैज आपको इस जर्नी में उसने कैसे मदद किया? सर मेंस बैच मदद ऐसा बेसिकली, सर जब हम प्री का तैयारी करते हैं तो या फिर गेट का तैयारी करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव लेवल पे काफी अच्छे हो चुके होते हैं, लेकिन सर एक कमी होता है हमेशा राइटिंग स्किल्स में कि आपको रिटर्न कैसे करना है। और दूसरा सर जो मेंस का पेपर होता है कंपेरेटिवली थोड़ा डिफरेंट होता है अगर देखा जाए तो गेट से भी और आपके प्री से भी, क्योंकि उसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जैसे हम कॉलेज में लिखते थे ना सेमेस्टर एग्जामिनेशन के, उस टाइप के आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा इलेबोरेटली लिखना उस सब में थोड़ा दिक्कत रहता है। तो मेंस बैच में उस चीज काफी कुछ क्लियर आ जाते हैं कि बेसिकली आपको कहाँ पे अजम्पशंस लिखने हैं, कहाँ पे नहीं लिखने हैं। और सर जैसे थ्योरी ऑफ मशीन हुआ सब्जेक्ट हुआ या फिर अपना मशीन डिजाइन सब्जेक्ट हुआ, तो इनका सिलेबस काफी वास्ट हो जाता है अगर मेंस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो, या फिर पावर प्लांट इनका काफी परस्पेक्टिव मतलब काफी बड़ा हो जाता है ये मेंस के परस्पेक्टिव से। तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए मेंस बैच ने मेरा काफी हेल्प करा, तो वो सब चीजें काफी सही हो गया और उसके लिए मैं काफी थैंकफुल हूँ अमित कक्कड़ सर से, क्योंकि मुझे थ्योरी ऑफ मशीन में काफी डर लगता था तो उनके लेक्चर बेसिकली मैंने दो बार देखे थे कि पूरे पूरे कि एटलीस्ट क्लियर हो चीज। वंडरफुल, डेफिनेटली मेंस बैच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम एंड आप और ज्यादा थॉरो हो जाते हो सब्जेक्ट में, एंड वंस योर नॉलेज लेवल बिकम्स दैट थॉरो कि आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो रही है, टेक्निकल में भी आप और ज्यादा थॉरो हो रहे हो, एंड डेफिनेटली दैट हैज कन्वर्टेड टू द रिजल्ट रजत, वो सामने सामने दिख रही है हमें वो चीज। बट कुछ भी हो, चीजों के लिए जुझारू होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। उसके अलावा रजत, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ विच कैन मोटिवेट देम, या फिर कुछ ऐसी आप अपना जर्नी के दौरान कुछ ऐसा ट्रबल या कुछ ऐसी चीज आपने फेस करी हो जो कि आप शेयर करना चाहते हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ जो कि उन्हें मोटिवेट कर सके? सर मोटिवेट तो मैं ऐसा शायद नहीं कर पाऊँ किसी को, लेकिन एक एडवाइस मैं जरूर किसी को देना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा लेकर चलना, कोई एग्जाम मतलब
ऊपर नहीं होता कि ऐसा नहीं होता कोई एग्जाम बिगड़ गया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की और सब चीज की, तो उस चीज की टेंशन ना लेना कि गेट ना हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ तो क्या रहेगा ऑप्शन तुम्हारा। तो एक वो फियर निकाल दो और एग्जाम करो चिल माइंड से दो जो भी एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि एक यही चीज थी जिसने मुझे 2020 में जो मेरे फेलियर थे, तो 2021 में मेरा जो टॉपर आया उस फेस के दौरान मैंने चेंज किया। तो अगर ये सब चीजें कर लोगे तो सब कुछ हो जाता है टाइम से, मतलब चीजें सही हो जाती है, तुम्हारी तरह चल जाती है। तो यही है करो और सब, तो मेहनत तो है ही। सो बेसिकली बिल्कुल सही कहा रजत ने, अपने फेलियर्स को दिमाग पे चढ़ने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो दिमाग पे चढ़ गया तो फिर स्ट्रेस के अंदर आप जो चीज आने वाली होगी आप शायद वहां भी गलत परफॉर्म कर जाओ। और इस चीज को एनालाइज करना या समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज एक्चुअली विनर्स माइंडसेट। तो अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स द ऑप्टिमिज्म, और अगर कोई फेलियर है भी तो उन फेलियर से एक्सपीरियंस गैदर करके हम नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से उठकर चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज द विनर्स माइंडसेट, जो कि ज्यादातर टॉपर्स में नजर आ ही रहा है, फाइटिंग स्पिरिट, जुझारूपन जिसे हम कहते हैं। सो रजत बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, एंड वंस अगेन बेटा हर्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर।